difficult. He just... क्या हो गया प्यार? माँ हाथ दीजिए बहुत है। एक मिनट मिली? मिली तो फिर किसी को बुला क्या? मिली? कहीं फिर से इसकी कोई चाल तो नहीं? मत बोलना, कभी मत बोलना उनके भगवान का नाम मत लेना मिली। मिली अपने पैर दिखा लो मिली। मिली होश में आ, होश में आ। मिली तुम्हें अच्छाई और बुराई के बीच चुनना होगा। मिली बोलो जय माता दी। मिली बोलो जय माता दी। जय माता दी बोल। जय माता दी। नहीं मिली, तू ऐसा नहीं कर सकती। जय माता। अपना काला जादू इस मिली पर बेकार ही खर्च किया। धोखा दिया मिली ने मुझे। मिली तुझे सहारा मैंने दिया था, एक नई विद्या मैंने दी थी। तेरा अस्तित्व मेरे कब्जे में था। तेरी मूर्खता का पाप मुझे भुगतना पड़ेगा। अब मेरी रूह पे वार होगा। तूने मेरी बरसों की साधना भ्रष्ट कर दी, मेरी दुनिया नष्ट कर दी। ओके? इसे अंदर ले जाना होगा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मिली आप उठिए, मां मैं संभालता हूँ। आराम से बिहान, आराम से संभाल के उठ। उठ मिली उठ। बहुत चाय लगा रहा, चाय लगा रहा। आराम से, आराम से, आराम से संभालो अपने। धीरे धीरे संभालो। चल पाएगी वहां तक? पैर संभाल यहाँ। पैर मिली का चेकअप कर लिया? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, मिली बिल्कुल ठीक है। माता रानी इसकी रक्षा कर। नफरत है तुम्हारे अंदर हम सबके लिए कि तुमने अपनी जान दांव पे लगा ली। Do you even know life कितनी कीमती होती है? तुम्हें क्या लगता है हम सब बुरे? ये पूरा परिवार बुरा है ना? तुम गलत सोचती हो मिली। आरुषि दीदी इस परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ नहीं किया उन्होंने इस परिवार के लिए। तुम आरुषि दीदी की बहन हो, तुम्हें इस हालत में देखकर अब सबको बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तुम विहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कभी सोचा है विहार आरुषि दीदी को क्या जवाब देंगे? इसमें उनकी कोई गलती नहीं, हमारी गलत फैमिली की वजह से सब ये हुआ। आरुषि दीदी का ये सतरंगी परिवार है, क्यों कोई उनका बुरा चाहेगा? थिंक, जस्ट थिंक फॉर वंस। आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार विहान से मिली, मैंने उसकी आंखों में आरुषि दीदी को खोने का दुख देखा था। विहान ने आरुषि दीदी को बहुत प्यार किया है, प्योर लव। मैं बहुत लकी हूँ कि आती हूँ मुझे विहान का थोड़ा सा प्यार मिल गया। मैं अब भी जानती हूँ कि विहार आरुषि दीदी को बहुत प्यार करते हैं। आई एम नॉट जेलस, इन फैक्ट आई फील प्राउड। इस घर का एक एक मेंबर आरुषि दीदी को बहुत प्यार करता है। तुम्हें भी बहुत प्यार करता है, और मैंने तुम्हें थप्पड़ गुस्से की वजह से नहीं मारा। I know अगर आरुषि दीदी इस सिचुएशन में होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। I know it। तुम्हारी बड़ी बहन होने के हक से मारा है तुम्हें थप्पड़। मेरी हर चीज का इलाज होता है, गलत फहमी का कोई इलाज नहीं होता, पर मेरे पास इस चीज का इलाज है। आरुषि दीदी की डायरी है, जस्ट रीड इट। मैं जब बंसल फैमिली में आई तो मुझे परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन एक बार बहू के रूप में स्वीकार लिए जाने के बाद मेरी सासें सास नहीं माए बन गई, मेरा ससुराल मेरा मायका बन गया। मेरी सासों को मेरी माँ, मेरी बहन मिली, मेरे भाई, यहाँ तक कि मेरे दादाजी की भी फिक्र रही। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो हमेशा यही रहूंगी, मेरे विहान के दिल में हमेशा के लिए। Till the end. मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि जिंदगी इसी को कहते हैं, अ परफेक्ट लाइफ। मुझे याद है जब बाबूजी ने मेरी छोटी बहन मिली को नौकरानी की तरह किसी को बेच दिया, तो मेरा बयान ही मिली को वहां से छुड़ा गया। जिस बातों को मैं हमेशा अपने दिल में कैद करके रखना चाहता था, लेकिन आज तुमने मजबूर कर दिया।
हिसाब से आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी कह रहा हूँ। अरे अभी कितनी देर और लगेगी चाय नाश्ते को? भूख लग रही है। 2 घंटे 7 मिनट और 365 सेकंड। क्या हो रहा है दीदी? ये लो चाय आ गई और ये लो नाश्ता। अरे वाह दीदी, आज तो बड़ी जल्दी बन गया नाश्ता। बट टाइम लगता है पराठे बनाने से। गुड मॉर्निंग। अरे चाची माँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी से जाना है। मैं आके मिलता हूँ आप सबको। अरे नहीं नहीं विहान, चलो पहले नाश्ता कर लो। हाँ नहीं नहीं कायरा, मैं आके करता हूँ। अरे दादी माँ, अरे मैं आके करता हूँ ना नाश्ता। अरे कायरा क्या कर रहे हो? अरे मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे नो नो गिव मी अ बैग। अरे 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारे फेवरेट पराठे बनाए, चुपचाप से बैठकर खा लो। कम ऑन, ईट फास्ट, क्विक क्विक क्विक, कम ऑन खाओ। वेरी गुड। यू इतना बड़ा हो गया बच्चों की तरह बीवी से डांट खा रहा है। I pity you, baby. अपनी बीवी से तो खा रहा हूँ। ओए होए, सुना सबने? आप सभी नाश्ता शुरू कीजिए ना। आप भी बैठिए ना नाश्ते के लिए हमारे साथ। सब साथ में बैठते हैं ना, आ जाओ। मैं मिली का वेट कर रही हूँ। पुत्र माना आप सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी उस मिली पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है। हरप्रीत, तुम सही कह रही हो बेटा। मानती हूँ कि पिछले दिनों से हमारे घर में बहुत उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मैं कायरा से सहमत हूँ। विश्वास करने से विश्वास होता है, विश्वास बढ़ता है। मुझे भी लगता है कि हमें मिली को एक और चांस देना चाहिए। ठीक है माँ, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है। माना मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरा मानना ऐसा ही है, उसके साथ मैं तो सतर्क रहूंगी। अच्छा आप सबको पता है कि माँ इतनी यंग और इतनी ब्यूटीफुल क्यों दिखती है? इनकी निखरी निखरी त्वचा का राज क्या है? ओहो, कुछ कर रही हो माँ, बताओ बताओ। मैं बता दी, राज ये है कि माँ की नजर में कभी खोट नहीं आती। अपने पराए सब वो अच्छा ही देखते हैं, समझी भाभी? थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्यों कह रहा? यस। अरे मिली, आ जाओ नाश्ता कर लो। आओ। नहीं, क्या हुआ? तुम्हें पराठे नहीं पसंद? नहीं नहीं कह रहा, पराठे बहुत अच्छे बने। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जस्ट फॉरगेट ऑल। या नहीं कर, मैं जानती हूँ मैंने क्या किया, जानती हूँ कि मैंने कितनी गलतियां की। मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा किया, शायद मेरी गलतियों के लिए कोई माफी नहीं, इसलिए
मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, जो कुछ भी तुमने किया वो तुम खुद नहीं कर रही थी ना, तुमसे करवाया जा रहा था ना, ये बात हम सबकी समझ में आ गई। नहीं दादी माँ, मैं जानती हूँ आपको नहीं पता कि मैं अपनी गलतियों के लिए कितनी शर्मिंदा हूँ। ठीक है, आई अग्री विद यू। तुम चली जाओ। कायला? नहीं विहान, मिली को जाना है ना, उसे जाने दो। कायला? चलो मैं पैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मुझे इतने सारे बैग्स नहीं लगेंगे, मेरा सामान ही नहीं है इतना। तुम्हें इन सारे बैग्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ समझी नहीं? समझी नहीं ना, मैं बता। देखो इन दो बैग में तो तुम्हारा सामान आ जाएगा, फिर जो ये वाली बैग है अरहान और आरू के साथ तुमने जो टाइम स्पेंड किया उसे रख लेना। फिर इस बैग दादी माँ और माँ ने जो तुम्हें सिखाया है, लाइफ के जो लेसन दिए, कैसे भूल सकती हूँ, वो रख ले। और फिर बची ये लास्ट बैग, मैं तो मेरा और विहान का प्यार रख लिया, और इसके साथ साथ विहान और आरुषि दीदी की मेमोरीज को भी रख लेना। सब कुछ लेकर जाना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें और बैग्स की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ तो तुम यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती ना, है ना? मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? कोई अपनी फैमिली को छोड़कर जाता है क्या? सब तुम्हारी फैमिली है ना, जानते हो तुम बहुत दिल से फील करे। ट्रस्ट मी मिली, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है कायरा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कि अब सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, घर जितना ही मेरा है उतना ही तुम्हारा है। ओके, अब तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझी? छुट्टी। मैं आई तो थी यहाँ आरुषि दीदी की मौत का बदला ले, बदला तो मैं ले नहीं पाई, लेकिन हाँ कायरा के अंदर अपनी खोई हुई आरुषि दीदी को जरूर पा लिया। तुम हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचाओगी जिसका ये सारा खेल रचा हुआ है? जरूर, मैं सबको बता दे। ठीक है।
मैंने तो बड़ी सॉलिड लाइंस बोल दी। कहाँ से सीखी है लाइंस? अपने दिल से। अच्छा, तो कभी अपने दिल से हमारे लिए भी लाइंस बोला करो। मिस्टर रोमांटिक, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? वो क्या है ना, आज मेरे पास बहुत वक्त है। Really? तो सोचा अपनी वाइफ के साथ थोड़ा रोमांस ही कर लूं। Really? Yes. तो फिर रोमांस करते हैं। पर उससे पहले क्या? माँ को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर घर में कोई भी काम होना तो सबसे पहले विहान को ही बताना। Spoil sport. अरे listen, तुम ही मिस्टर चिडू सिंह हो ना? हाँ। मिस्टर चिडू सिंह? No.